हमारे एक दर्शक हैं हैशटैग क्रेग बॉस चैटर पर सवाल पूछ रहे हैं और थोड़े से नाखुश हैं जो रूट की कप्तानी से। बसंत इमैनुअल कह रहे हैं कि क्रेग ओवरटन जैसा जैक आपने कहा कि उनको रोक के रखा है, बहुत ओवर्स नहीं करा है, लेकिन बसंत को लगता है कि क्रेग ओवरटन को विकेट्स मिल सकते थे। क्या रूट ने कहीं कुछ कमी कर दी कप्तानी में उनको ना लाकर? देखिए, जब आप आपके पास इतने विकल्प होते हैं ना गेंदबाजी के, तो आप इस तरीके की प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। और अगर आपने इस सेशन में लंच से टी के बीच में जब गेंद अभी पुरानी हो गई है, थोड़ी सी उसकी जो हार्डनेस है उतनी सख्त नहीं रही है गेंद, तो आप जरूर देखोगे कि अगर उस तरीके की प्लानिंग इंग्लैंड ने की, अगर आपको क्रेग ओवरटन ज्यादा अराउंड द विकेट जाके या तो ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी या हर ओवर में थोड़े बाउंसेस डालते हुए नजर आए, तो एक रणनीति का हिस्सा था, ये समझ सकते हैं। हाँ, अगर वैसी चीज आपको नहीं देखने मिली तो जरूर आप कह सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं फिर थोड़ी थोड़ी कमी रह गई कि आपने एक गेंदबाज की तरफ उतना उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप 5 गेंदबाजों के साथ खेल रहे होते, तो एक सेशन में आपको आइडेंटिफाई करना होता कि कौन से गेंदबाज आपके लिए किस तरीके का रोल अदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने देखा पहले इनिंग में क्रिस वोक्स ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की, ज्यादा विकेटें निकाली। एंडरसन को आप पसंद करते हैं ज्यादा नई गेंद के साथ गेंदबाजी करें, या जब थोड़ा कंडीशंस में हेल्प हो या थोड़ी ज्यादा स्विंग अवेलेबल हो, तो आप कोशिश करते हो कि आपके मोस्ट एक्सपीरियंस गेंदबाज उस समय गेंदबाजी करें। तो उस तरीके से हमें जरूर देखने मिला। ओली रॉबिन्सन का भी कुछ ये उसी तरीके से प्रयोग करते हैं कि जब गेंद सख्त हो तो उनके उछाल को, जो अतिरिक्त उछाल के कारण ये विकेट लेते हैं। क्रेग ओवरटन एक ऐसे किस्म के गेंदबाज है जो ज्यादा हिट द डेक गेंदबाजी करते, तो ज्यादा एफर्ट लगा के आप लेंथ हिट करने देखते हैं, उसके विपरीत आपको एंडरसन और रॉबिन्सन नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये रणनीति का हिस्सा था, इसलिए आपको उतनी गेंदबाजी करते हुए नहीं नजर आए क्रेग ओवरटन।